एक बार फिर चमका भारत का सूर्य, सूर्य के बल्ले ने फिर उगली आग, भारत के सूर्य के आगे गेंदबाज फीके। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। टीम के लिए शुरुआत काफी खराब रही। टीम के कप्तान रोहित शर्मा सस्ते में आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली भी स्लो बैटिंग के बाद जल्द ही पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जैसे तमाम बल्लेबाज टीम के लिए फेल हो गए। लेकिन टीम के लिए केएल राहुल ने 35 गेंदों में 51 रन की पारी खेल टीम के लिए अर्धशतक लगाया और उनका ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप 2022 का अर्धशतक रहा। इसके अलावा भारतीय टीम जिस दौरान बल्लेबाजी कर रही थी तब लगा कि भारतीय टीम की धीमी बैटिंग के चलते टीम इंडिया शायद 150 के आंकड़े को भी पार न कर पाए। लेकिन टीम इंडिया के नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव, इनफॉर्म बल्लेबाज और इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ शॉट लगाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी में 25 गेंदों में 61 रन बनाए और वह 61 रन बनाकर के पूरी पारी के दौरान नाबाद रहे। आपको बता दें कि सूर्य ने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के भी लगाए और साथ ही 6 चौके भी इसमें शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 244 का रहा। लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजों की जमकर खबर ली। सूर्य ने ऐसे ऐसे शॉट लगाए जिसे देखकर सभी फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई। सूर्य ने सिक्स स्टंप पर आती हुई गेंदों को लेग साइड पर छक्के के लिए भेजा। तमाम ऐसे बड़े शॉट्स और मजेदार शॉट्स के साथ भारतीय फैंस का मनोरंजन किया। सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ही भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 186 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम ने इस दौरान अपने 5 विकेट खोए लेकिन टीम के लिए सूर्य कुमार यादव की पारी सबसे अहम और मैच का टर्निंग पॉइंट रही। आपकी क्या कुछ राय है सूर्य की इस बल्लेबाजी को लेकर, उनकी इस शानदार इनिंग को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।